42 साल बाद हम सारे लोग मिल रहे हैं। मतलब 79 मतलब इंटरमीडिएट कर रहे थे, कभी वो पहाड़ होते तो पीछे से जहाज बना के उनको ऊपर फेंकते थे हम लोग। सीटी बजाना हम बजाया, हमने मार खाया बेचारा, एक ब्रिजलाल नाम था। कि जितने भी यहाँ बैठे हैं सबने एक अपनी हैसियत बनाई है, सबने अपना एक मुकाम लिया है और सभी ही यहाँ पे बहुत से गेस्टेड अफसर भी हैं मेरे सहित, और यहाँ से बहुत से रिटायर हुए हैं अच्छी अच्छी संस्थाओं। 5 साल से ज्यादा की हो जाती है तो वो फ्रेंड्स फैमिली बन जाते हैं। दोस्ती दिल का रिश्ता होता है जो हमें कभी अकेला महसूस नहीं होने देता है, और ये रिश्ता हमें एक अलग दुनिया में जीने की प्रेरणा देता है। दोस्ती दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होने वाला ऐसा रिश्ता है जो हमेशा ही दिल से निभाया जाता है। हमें एक हंसते जीवन के लिए दोस्ती बहुत ही जरूर है। इतना बड़ा शहर और इस शहर के एक कोने में कॉलेज, इसी कॉलेज के रूम नंबर 12 में वो सब एक याद सी बन गए थे जिनका वापस इस तरह से साथ दिखना शायद ही हो पाए। शुरुआत में सभी नए नए और मासूम ही दिख रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता सभी अपना असली रूप सामने लाने में पीछे नहीं हटे। इन्हीं नए और मासूमों में कुछ का मेरे से मिलन हुआ और हमारा वो सफर की शुरुआत हुई। इसी सफर के चलते हमें कई और भी मिले, धीरे धीरे सभी में अपनेपन का एहसास होने लगा। 42 साल बाद हम सारे लोग मिल रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी बता दूं, हम लोग गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज प्रयागराज के 79 बैच के सारे लोग हैं, और जैसा कि आपने कहा कि इतने सालों बाद सारे लोग जगह जगह कौन कहाँ पोस्टिंग है, कोई कहीं पे पद पे है, लेकिन इन सब के बावजूद हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया जो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से GIC 79 बैच के नाम से है, और उसी में हम लोग आपस में एक दूसरे से हम लोग हालचाल लेते थे, अपनी प्रतिक्रिया करते थे, और उसी के चलते कि इलाहाबाद में जो लोग हैं और कुछ आसपास इर्द गिर्द जो लोग हैं वो सारे इकट्ठे होंगे और हम लोग यहाँ पर एक एलुमनाई कह लीजिए, एक गेट टुगेदर की तरह यहाँ पर मिलेंगे। पर उस समय ये कहां मालूम था कि ये सभी नए चेहरे इतने करीब आकर इस तरह बिछड़ जाएंगे कि वापस मिलना भी संभव न हो पाएगा। सभी कॉलेज की दिनचर्या से फ्री होकर तनाव दूर करने के लिए कॉलेज की कैंटीन में मिलते और हम में से किसी एक का चयन कैंटीन के बिल देने के लिए होता। सभी का यूं मिलना और उसी जगह पर बर्थडे सेलिब्रेट करना और किसी इवेंट की प्लानिंग करना, इन सभी से हमारे बीच में एक नई डोर सी बन गई जो सभी को एक साथ रहने के लिए मजबूर कर देती। सीधी सी बात है, GIC के बगल में मेडिकल कॉलेज था और वहाँ की कैंटीन बहुत अच्छी थी। हम लोग को ब्रेड पकौड़ा खाने का शौक था, हम हेमंत और भारत भूषण। क्रॉस तो कर गए, लौटते समय शर्ट पहन दोनों फट गई, और हम लोग क्लास जाने की बजाय घर चले गए। तो वो वाक्य आज भी याद आता है, और उस समय ऐसा भी नहीं कि बहुत बच्चे थे, मतलब 79 मतलब इंटरमीडिएट कर रहे थे हम लोग, और घर पहुंचे, घर वालों ने बोला कि यार घर में कहीं लड़ाई उड़ाई हो गई क्या, अब उनको क्या बताया, ब्रेड पकौड़ा खाने के चक्कर में हम लोगों ने अपनी शर्ट पैंट चूंकि टाइट थी फिटिंग वाली पहनते थे, तो वो माजरा आज भी याद आता, तो बच्चों के सामने बात करने में शर्म आता। सुबह सुबह एक साथ बैग ये लैब के लिए निकलते और वहाँ से क्लासेस के लिए कॉलेज, टीचर, सहपाठी, ये सब एक नया परिवार सा बनता गया। कई बार तो सुबह की शुरुआत ही घनघोर सम्मान बेइज्जती के साथ होती जब प्रैक्टिकल लैब में प्रवेश करते। लैब में सभी के जेबों में बर्फ के टुकड़े डालना, खैर जब एक दो साथी और इस सम्मान में शरीक होते तो दिल को सुकून मिलता। फिर वही लैब के बाद कॉलेज कैंटीन और चाय की टपरी पर मिलना मानो हमारे लाइफ का एक अहम हिस्सा बन गए थे।
इस तरह धीरे धीरे रोमांच से भरा कॉलेज जीवन समाप्ति की तरफ आ रहा था। इसी बीच कॉलेज में फ्रेशर पार्टी, फेयरवेल पार्टी और वो रेडियो एडवर्टाइजमेंट हमें मिलने और साथ समय बिताने के लिए एक अच्छा मौका दे जाते। इलाहाबाद जीआईसी ये अपने आप में एक ऐसी संस्था थी कि जिसमें प्रवेश के लिए सभी को बहुत ही मेधावी होना पड़ता था और जीआईसी में अगर एडमिशन मिल जाता था तो ये माना जाता था कि ये छात्र अपने आप में एक छात्र है। और ये सारे मित्र जो हमारे कह रहे हैं, ये सत्यता है कि सबने बड़ा आनंद लिया, क्योंकि शुक्रवार को एक घंटे की नमाज होती थी और सब पिक्चर देखने जाते थे। मगर इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जितने भी यहाँ बैठे हैं सबने एक अपनी हैसियत बनाई है, सबने अपना एक मुकाम लिया है और सभी ही यहाँ पे बहुत से गेस्टेड अफसर भी हैं मेरे सहित और यहाँ से बहुत से रिटायर हुए हैं अच्छी अच्छी संस्थाओं से। तो उस जीआईसी को मैं ये कदापि नहीं कहता कि इन लोगों ने एक पक्ष उसका आनंद का लिया है, दूसरा पक्ष पढ़ाई का भी था। उसी में हमारे यहाँ के टॉपर भी रहे हैं, हम लोगों से उनसे भी हम लोग सीख रहती थी। और जहाँ तक आप शैतानी की बात करते हैं तो शैतानी में हम लोगों के साथ कपिल देव जो कि केडी त्रिपाठी के नाम से इलाहाबाद में जाने जाते हैं, वो कामेश्वर देव, वो भी बहुत शैतान था मगर आज इलाहाबाद की एक पहचान भी है। और उसी पहचान में हमारे समीर भाई हैं और ये राजीव नैयर जी हैं, इन सब ने इलाहाबाद में अपनी एक पहचान बनाई है। प्रमिल भाई हैं, शिक्षा विभाग से थे, तो आनंद के साथ साथ शिक्षा के जगत में भी या अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने कार्य क्षेत्र में भी इन्होंने एक अपनी छाप छोड़ी है। तो इसलिए उस जीआईसी को मैं नमन करता हूँ और अपने साथियों को प्रणाम करता हूँ। एक वाक्य था, ये गांगुली जी को इन्होंने बताया, टीचर थे हमारे भी, हम लोग पढ़ा रहे थे, पीछे से हमने सीटी बजा दी। जब सीटी बजा दी तो वो अटैक कर दिया, उन्होंने कहा किसने सीटी बजाई, किसने सीटी बजाई। तो किसी भी क्लास में किसी ने कि ये नहीं बोला कि राजेंद्र ने सीटी बजाई है, सब शांत थे। अब सीटी बजाना हमने मार खाया बेचारा, एक ब्रिजलाल नाम था ऐसे ही, तो उसको आके गांगुली जी मारने लगे। अब हम लोग चुप कि भाई अगर कोई हमें बता दे तो राजेंद्र बाहर जाएंगे तो हमको ये करेंगे वो करेंगे। इसलिए ये वाक्या जो है, वाक्या तो खैर जीआईसी में हमने बहुत बहुत हुआ है वाक्या, कि हम और अनूप यादव थे, कभी कभी नाम कट जाता रहा तो वो हमारे हम लोग दूसरों को लेके चले जाते रहे, ये हमारे पिताजी हैं और ये है, तो पिता वो बन के और हम लोगों का नाम लिखवा देते रहे। और जीआईसी में बस पढ़ाई कम और फिल्म ज़्यादा देखते रहे, इसलिए आज यहाँ यातायात निरीक्षक होकर रिटायर हो गए। उन्होंने 7 बार देखी है सोलह, मैंने 14 बार जीआईसी से देखी है सोलह हैं। और भी जब हम लोग फुटबॉल खेलने लगते रहे तो 15 अगस्त 26 जनवरी को हम लोगों का टिकट स्पेशल आ जाता रहा, भैया वो हॉल खुल रहा है, हॉल पायल हॉल खुला था, आंधी लगी थी, भैया चलना पिक्चर देखने, यार कहाँ जाओगे, पहले दिन शो लगा है, पहली पिक्चर लग रही है वहाँ और हॉल भी आज ही खुला, अरे टिकट वगैरह सब है। ऐसे बंदे हम लोग साथ रहते रहे, टिकट वगैरह ले कर रखे रहते रहे, आइए चलिए। तो पहला दिन पहला शो, ज़्यादातर हम लोग पहला दिन पहला शो ही देखते थे, चाहे वो शो ले। एक बार का जो है हम लोग जीआईसी से कट करके सन्यासी देखने गए थे और हमारे चाचा थे, चाचा के दोस्त थे, कहे यार ऐसा है पिक्चर देखना है, कहे कि ऐसा करो कि पिक्चर देखना सन्यासी देखना भी समर में लगी है, कहे चलो टिकट तो मिलेगा नहीं, कहे अरे टिकट हमारे भतीजे साहब लगे होंगे, भतीजे लगे होंगे और उनके दोस्त जो जीआईसी के वो लगे होंगे और टिकट मिल जाएगा। अब यहाँ चढ़ उड़ के टिकट निकाला और टिकट निकालने के बाद जैसे पलटे तो चाचा जी हमारे खड़े हैं, अब भैया वो टिकट वगैरह दे के चले आए अपने घर। बताइए ये होता रहा भाई साहब हम लोगों के पढ़ाई। अरे नहीं देखा, फिर उसके बाद चचा के दोस्त वो देख रहे हैं, हम लोग मुँह जुड़ाए चले आए वहाँ से। 11-12 में हम लोग एक इंग्लिश सर होते थे, गांगुली सर, सबसे हम लोग बहुत सीधे भी थे बेचारे, तो उनसे हम लोग खूब मजा लेते थे। वो ऐसे कॉपी आगे रख के पढ़ाते थे और 4th पीरियड के बाद लंच के बाद हम लोग को खेलना होता था फुटबॉल, तो जब उनकी कॉपी आगे से हटती थी तो आधी क्लास गायब होती थी, सब निकल जाया करते थे क्लास से। और कभी वो पढ़ाए होते तो पीछे से जहाज बना के उनको ऊपर फेंकते थे हम लोग, किसने फेंका किसने फेंका, और सारी क्लास चुप।
और एक हम लोग के फिजिक्स के टीचर थे, इत्तेफाक से उनका लड़का भी हम लोग के साथ, रंजन मिश्रा, शायद आप जानते भी होंगे आप। तो उनकी एक बात, हाँ सब याद करते हैं, वो कहते थे ये तो आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हो और ये बाकी आप लोग अगली क्लास में पढ़ोगे। तो हम लोग कहते थे आप क्या पढ़ाएंगे। अच्छा कभी कोई ऐसा मंजर हुआ है कि आप लोगों को एक साथ जो है सजा मिली हो? सजा मिलती थी हम लोग को, सजा मिलती थी इस तरह, सारी क्लास को तो नहीं, वो चार छः लोग शायद रह जाते होंगे पढ़ने वाले, बाकी बाकी शैतान कौन था? सबसे ज्यादा शैतान, अरे हम ही लोग सबसे ज्यादा शैतान थे। कभी कोई शैतान बन गया, कभी कोई शैतान बन गया। आज इतने साल बाद आप लोग मिले हैं, बीच में बहुत ज्यादा दूरी भी हुई है, उसमें याद भी आता होगा। देखिए सही बात आपसे बताऊं कि स्टार्टिंग का पीरियड तो इतना स्ट्रगल का रहता है कि शायद वाकई याद नहीं आया कोई, लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलती है तब बहुत याद आते हैं, सब लगता है कि अब हम लोग को मिलना चाहिए, अब हम लोग के पास टाइम है कि हम लोग मिल सकते हैं। हालांकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी काम में लगे हुए हैं सब, और सबको याद करते हैं, कभी फ़ोन कर लिया किसी को तो अच्छा लगता है, मिलना अच्छा लगता है। हम लोग ये पार्टी कभी छोड़ना नहीं चाहते। नाम बता, मैं राजीव नैयर। इसके अलावा और भी कुछ ऐसा? हाँ बिल्कुल, बहुत सी बातें हैं, और जैसे अभी मैंने कहा कि हमारे एक टीचर थे जो प्रैक्टर भी थे, वो हम लोग को नकल करने से बहुत मना करते थे। तो जैसे अभी हमारे बॉस गाना गा रहे थे तो देख के गा रहे थे, तो मुझे उनकी याद आ गई कि वो कहते थे गाओगे तो इसी रेस्टोरेंट में बैठ के ऐसे ही डांस और वो करोगे, पढ़ लिख लोगे तो प्रदीप मेहरोत्रा की तरह तुम लोग टॉप करके कुछ बन जाओगे। तो हमें अभी भी याद आ रहा, प्रदीप मेहरोत्रा इस ग्रुप में नहीं है और हम सब है, यानी नकल मारने वालों का ये पूरा ग्रुप है, पढ़ा लिखा कोई नहीं इसमें। हाँ ग्रुप में है लेकिन इसमें नहीं है। तो हम लोग का 150 से ऊपर का ग्रुप है, मज़ा आता और कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी बताई भी नहीं जा सकती, हम लोगों ने क्या क्या झेला है। और कभी कभी एक फिल्म आई थी, हम लोग फिल्म हॉल में गए, वहाँ किसी ने पकड़ लिया पीछे से, देखा अंकल नमस्ते, क्या कभी कभी पढ़ भी लिया करो। तो हम लोगों ने फिल्म भी बहुत देखी उसी टाइम में, क्योंकि 12 से 3 शो होता था, 12 बजे हम लोग की क्लास स्टार्ट होती थी। तो चोरियाँ बहुत की है, उसी का नतीजा आज यहाँ छोटे से रेस्टोरेंट में बैठे। नहीं शायद कहीं 5 स्टार में होता। नाम बता दीजिए। अरे अपना नाम बता दीजिए। मैं इलाहाबाद का ही रहने वाला हूँ, अशोक कुमार ठुकराल मेरा नाम है, और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अभी भदोही में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बेटा बहू दोनों CA हैं, दिल्ली और बनारस में भी ऑफिस है। इस जोश भरे समय में कब अपनापन चरम पर पहुंचा, इसका एहसास तक नहीं हुआ। अब समय फेयरवेल पार्टी देने की बजाय लेने में बदल गया। सभी ने इस जश्न की तैयारियां बहुत पहले से ही शुरू कर दी। इस कॉलेज के अंतिम जश्न में सभी का अच्छा प्रदर्शन रहा। अंततोगत्वा सबको नम भरी आंखों से एक दूसरे को गुड बाय बोलने का समय आया। उस समय सभी के खुश होने के साथ ही आंखें नम भी थी।